गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम तुलक सागर एक नाम। एक बहू मेरे पास आई, त्योहार था, उसकी माँ भी आई, उसकी मम्मी जी भी आई। मैंने पूछा ये कौन है, बोले मम्मी है। मैंने कहा इसमें जी कौन है और मम्मी कौन है, बोले मम्मी ये खड़ी है और जी ये खड़ी है। तो मैंने कहा ये क्या मतलब है मालूम है, सास को मम्मी जी लगाना पड़ता है और मम्मी को मम्मी जी नहीं लगाना पड़ता है। इसका अर्थ जानते हो क्या होता है? अर्थ इतना होता है कि जी उसी में लगाना पड़ता है जिससे जी नहीं लगता है। समझ में आया कि नहीं आया है? जिससे जी नहीं लगता उसमें जी लगाना पड़ता है, और जिसमें जी लगा है उसे जी लगाने की जरूरत होती ही नहीं है। ध्यान रखना, प्रेम से बोलो बेटी, बोलो वो भी पराए घर से आई है, वह भी अपना सब कुछ छोड़ करके आई है। और अब तो ये चलने ही वाला नहीं है, जमाना बदल गया, 21वीं सदी का ये भारत है। एक सासू ने बहू से कहा, ए बहू ढंग से रहना, यहाँ के नियम कायदे कानून पालना, यहाँ की सब रीति रिवाज निभाना। बहू ने कहा क्यों? बोले तेरी ससुराल है पीहर नहीं है। बहू ने कहा अम्मा जी ढंग से रहना, तेरी भी ससुराल है तेरा पीहर नहीं है। ध्यान रखिए, जैसा कहोगे वैसा सुनोगे, ध्यान रखना है। दूसरों की जुबान पर लगाम मत लगाओ, अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना सीख लो, ध्यान रखना। मैं तो कहता हूं कि नौकरों से भी जी लगा के बात करो, वो नौकर तुम्हें मालिक नहीं अपना भगवान समझ के तुम्हारी पूजा करेगा, तुम्हारा आदेश पालेगा। लेकिन हम नौकरों से ऐसी बात करते हैं, नौकरानी से ऐसी बात करते हैं, क्योरी कल नहीं आई तेरी तनख्वाह काट लूंगी, तेरा ये कर लूंगी वो कर लूंगी। वो कहेगी छोड़ ना, जा काटती रहे तनख्वाह, मैं तेरा घर काट के चली जाऊंगी, कट मार के चली जाऊंगी। और आजकल तो महिलाओं का बड़ा लफड़ा है, आजकल ये काम नहीं सुनती है तो मैं इनको पतियती की कसम नहीं चढ़ाता हूँ। मैं तो इतना ही बोलता हूँ, महिलाओं तुमने काम नहीं किया तो नौकरानी की कसम है, क्योंकि इनकी नज़रों में पति से ज़्यादा कीमती तो वो है। पति दो दिन घर नहीं आए तो तूफान नहीं मचता है, नौकरानी नहीं आए, बर्तन वाली नहीं आए, पानी वाली नहीं आए, घर में माहौल बिगड़ जाया करता है। ध्यान रखना, माननीय आपसे निवेदन है, पहला दिन है, भूमिका बना रहा हूँ, शुरुआत कर रहा हूँ, अभी पहली झांकी है, अभी 15 दिन बाकी है, सोचना है अभी आपको। माने बोलना सीखो, भगवान महावीर किनके अतीत को दृष्टि डालो, अतीत को देखने का प्रयास करो। मालूम है आपको कहानी, जीवन बदल जाता है एक मीठी वाणी से, एक मीठे शब्द से। महावीर अपने अतीत में शेर की पर्याय में थे, सिंह थे, जंगल में भटक रहे थे, भोजन की व्यवस्था कर रहे थे। एक मृग को, हिरण को अपने मुख में दबाए हैं महावीर का जीव। वहां दो मुनिराज पधारते हैं आकाश मार्ग से, देख करके क्रोधित हो गया शेर कि मनुष्य मेरे भोजन को छीनने आ रहा है। क्रोध से लाल लाल आंखें हो गई, वह मुख में तो मृग पकड़ा है लेकिन डरा रहा है मुनिराजों को। और संत मुनि भी चले आ रहे हैं तूफान की तरह उसके पास। शेर को लगा अभी तक तो जितने आए मेरे पास सबको पसीने आ जाते हैं, सांस रुक जाती है, ये कौन चला आ रहा है निर्भय होकर के, ना इसे डर है ना इसे भय है। वो दोनों मुनिराज शेर के निकट पहुँचते हैं, मुख में उसके मृग फंसा हुआ है, शेर आंखें फाड़ रहा है, लाल कर रहा है। मुनियों ने कहा कि शांत वनराज शांत, कुछ नहीं बोला उनने, दो ही शब्द बोले, वनराज शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हम विहार कर रहे थे, एक गाय बड़ी मारने को जोर से आई, हमने कहा शांत हो जाओ, आप चमत्कार समझेंगे। वो गाय वहीं खड़ी हो जाया करती है, जानवर भी शांति की भाषा समझा करता है। मुनियों ने कहा कि वनराज शांत हो जाओ, शांत रखो चित्त को, आवेश में मत आओ, उत्तेजित मत हो, आक्रामक मत हो। शेर को लगा ये कौन है जो शेर पे सवा शेर बन के आया है,
ये मुझे कह रहा है कि शांत हो जाओ, और इसमें खुद इतनी शांति दिख रही है, ये मुझसे डर नहीं रहा है। शेर ने कहा कि कौन हो तुम, अभी मृग छूटा नहीं है। मुनियों ने कहा कि हे वनराज, क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूं? भोजन। हे वनराज, तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने भविष्य को नहीं जाना करते हो। क्या हुआ? शांति हो गई पूरे जंगल में। शांति के सदन में प्रवेश करो। मालूम है तुम कौन हो? तुम वो हो जो आने वाले समय में इस धरती पर भगवान महावीर बनकर के खड़े हो जाओगे। मैं महावीर बनूंगा। वनराज, तुम्हें जिनराज बनना है। तुम आने वाले समय में, ये महावीर की कथा है, ये महावीर की गाथा है, आने वाले समय में तुम्हें भगवान बनना है। और जिस मुख में आज मृग पकड़े हुए हो, उसी मुख से तुम्हें एक बार इस दुनिया को नारा देना है, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्मा, ध्यान रखना। ये सूत्र तुम्हें देना है, ये तुमसे सारी दुनिया पाठ सीखेगी। हे आने वाले बनराज, आने वाले जिनराज, अपने जीवन को बदलने का प्रयास करो, अपनी जिंदगी को बदलो। पहली बार शेर को लगा किसी ने सीने में चोट दी है, पहली बार लगा किसी ने आत्मा को झिंझोड़ दिया है, पहली बार सिंह को लगा कि जैसे गर्म तवे में किसी ने पानी डाल दिया हो, पहली बार उसे एहसास हुआ कि मैं जिनराज बनूंगा, मैं तीर्थंकर बनूंगा, मैं भगवान महावीर बनूंगा। मैं भगवान बनने वाली आत्मा आज क्या कर रही है? कहानी कहती है, संत के इतने शब्द सुनते ही मुख से मृग छूट जाया करता है, और वह सिंह संत की तीन परिक्रमा लगा करके महावीर बनने का शिलान्यास कर दिया करता है। क्या नगर महावीर बनने की यात्रा प्रारंभ हो जाया करती है। बड़े लंबे समय लगे, दो शब्द, शांत वनराज, शांत हो जाओ। आपके घर में कोई क्रोध करे ना, तो महावीर के दो शब्द याद रखना कि शांत हो जाओ। ध्यान रखिए, जवाब पर जवाब देने से जिंदगी खुशहाल नहीं होगी। एक बात याद रखिए, आग का उपचार पानी है, दूसरा नहीं है। आग चल रही है, शांत करना है, पानी बनना पड़ेगा मेरे भाई। लेकिन तुम इतने होशियार हो कि पेट्रोल बन के रहते हो, वहां जली नहीं और हमने पेट्रोल डाला नहीं। पेट्रोल नहीं, पानी बनो, जिंदगी उसी का नाम है। मान्यवर, कभी कभी बहुत पछताना पड़ता है हमें अपने कृत्यों पर, कभी कभी बहुत मन रोता है अपने कामों पर। हम आवेश में बोल तो जाते हैं, गुस्से में बोल तो जाते हैं, लेकिन बाद में बहुत गहरा पश्चाताप छूटता है। ध्यान रखना, कभी कभी नासमझियां हो जाती हैं। एक महिला थी, एयरपोर्ट पर बैठी थी, फ्लाइट उड़ने में टाइम था। वह एयरपोर्ट पर बैठकर एक चेयर पर एक मैगजीन पढ़ती है। पढ़ते पढ़ते उसने देखा कि अभी फ्लाइट में बहुत टाइम है। उसके बाजू में एक आदमी और बैठ जाता है, बिस्किट का पैकेट खुलता है, एक बिस्किट महिला खाती है, दूसरी वो आदमी उठा के खाता है। इसने देखा ये बिस्किट खा रहा है, कौन है? ना मैं जानती, ना पहचानती, ना समझती, ये मेरी बिस्किट खा रहा है, कितना असभ्य आदमी है, मैंने इसे कहा भी नहीं और बिस्किट खा रहा है मेरी। लेकिन उसने, महिला ने सोचा, यार इस एयरपोर्ट में कौन तमाशा बनाए, घर हो तो झांसी की रानी बन भी जाए, लेकिन यहां कौन करे। चुप रही, उसने दूसरा बिस्किट उठाया, लेडीज ने, उस आदमी ने दूसरा, अपना एक खाया। कहते हैं खाते खाते इतना क्रम चला कि बिस्किट का पैकेट खत्म होने लगा। एक महिला खाती, एक आदमी खाता, अपरिचित अनोन, एक दूसरे को जानते नहीं, दोनों बिस्किट खा रहे हैं निकाल निकाल के। लास्ट में दुर्घटना घट गई, बिस्किट बचा एक, खाने वाले दो। अब महिला देख रही है कि देखती हूँ क्या करता है, क्या करता है, क्या करता है, ये खाता है या मुझे छोड़ता है, मेरी बिस्कुट ये कैसे खा रहा है। परेशान हो गई। उस आदमी ने मालूम है क्या किया, औरंगाबाद का ही रहा होगा, उसने बिस्किट उठाई, उसके दो पीस किए, एक उसमें छोड़ दिया, एक खुद खा लिया। महिला ने कहा, यार आधा मुझे छोड़ दिया,
उसने आधा लिया और खा गई, फ्लाइट में बैठी, फ्लाइट उड़ गई, चली गई। उसे फ्लाइट में बैठे बैठे याद आया कि चश्मा तो निकाल लूँ, पर्स खोला, चश्मा ढूंढा, चश्मा तो कम, बिस्किट का पैकेट मिला। उस महिला ने कहा, यार ये हो क्या गया? इसका मतलब है कि वो मेरी बिस्किट नहीं खा रहा था। समझ गए क्या? लहजा बहुत नर्म होना चाहिए, पत्थर पिघल जाया करते हैं। मानिए समय हो रहा है, एक बात कह के समाप्त करता हूं, अंतिम बात। एक देवर था, उसकी एक भाभी थी। वो हमेशा भाभी से छेड़छाड़ करता था, भाभी से मजाक करता था। भाभी मजाक भी एक दो बार अच्छा लगता है, बार बार करो तो फिर वो क्रोध में बदल जाता है। उसकी भाभी काणी थी, एक आंख नहीं थी। वो कहता था, ओ भाभी काणी, दूध लेकर आ। वो भी कहती, बेटा काणी कह रहा दूध मांग रहा है। वो भी अंदर जाती और छाछ का पानी लाके दे देती, ले पी ले। अरे बोले, भाभी क्या मंगाया, क्या दे रही? बोले, यही 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 पी ले चुपचाप। रोज से वो कहता, भाभी काणी बुला के देती छाछ का पानी। मेरे पास आया, बोले, महाराज बड़ा दुखी हूँ भाभी से। बोले, क्यों? बोले, जब भी दूध मांगो तो पानी देती है। मैंने कहा, कैसे मांगता है? बोले, यही कहता हूँ, भाभी काणी ला दूध पिला दे। तो वो कहती है कि ले छाछ का पानी पी ले, मैं ऐसे कैसे जीऊंगा। मैंने कहा, जी लेगा, एक मिनट की बात है। बोले, क्या? मैंने कहा, जा आज जाके बोलना, ओ भाभी अच्छी, शब्द शब्द को देखो, ओ भाभी अच्छी, दूध लेकर आ। गया, बोला, ओ भाभी अच्छी, दूध लेकर आ। अरे देव, भाभी ने सुना, आज क्या हो गया, लगता है ज्ञान गंगा में डूब के आ गया है ना। जाकर के बोला, ओ भाभी अच्छी, दूध लेकर आ। भाभी ने कहा, थोड़ा रुक, थोड़ा रुक। अंदर गई, फ्रिज खोला, दही निकाला, बिलोया, मतलब बर्फ डाला, शक्कर डाली, केसर डाला, गुलाब जल डाला, लेकर के आई, ले पी ले। बोले, भाभी दूध मांगा, लस्सी लाई। बोले, बेटा एक बात ध्यान रखना, कहेगा भाभी काणी तो मिलेगा छाछ का पानी, और कहेगा भाभी अच्छी पीने को मिलेगी लस्सी। ध्यान रखना, सोचना। एक लड़की, उसे अपनी माँ से बहुत नफरत थी। इम्तियाज भाई ने मुझे छेड़ा है, मेरे विषय हैं ये सब। बहुत नफरत थी उसे अपनी माँ से, और नफरत इस बात की थी कि उसकी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी। और जब अनपढ़ माँ कभी उस बच्ची की सहेलियों के साथ चली जाती तो उसे अपमान महसूस होता था। वो मान पढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, गोल टीका लगाती थी। उसकी लड़की को अच्छा नहीं लगता था, मॉडर्न युग की लड़की थी। वो कहती थी, माँ जब मेरी सहेलियाँ आए तो सामने आने की जरूरत नहीं है। फिर भी बच्ची स्कूल जाती, कभी टिफिन भूल जाती तो माँ रिक्शे में बैठकर उसे टिफिन देने जाती। और जैसे ही टिफिन पहुंचाती, स्कूल के बाहर वार्डन, स्कूल के बाहर गार्ड मिलते। उस लड़की ने क्या रखा था, वो टिफिन देने आए तो अंदर मत आने देना, उसे टिफिन ले लेना और जाने देना। उसने पूछा गार्ड ने, वो कौन है? बोले, मेरी नौकरानी है। स्टेटस देखो, स्टैंडर्ड देखो, ये पढ़ाई लिखाई देखो, ये पढ़े लिखे लोगों का व्यवहार देखो अपने जीवन में। बोले, बोलना नहीं कि मेरी माँ है। कोई बात नहीं माँ, एक बात याद रखना, आदमी दुनिया से नहीं हारता, आदमी गैरों से नहीं हारता, जब भी हारता है तो अपने आप से हारता है। ध्यान रखना, कितना भी बड़ा पहलवान हो, कितना भी बड़ा ताकतवान इंसान हो, उसकी सबसे बड़ी हार होती है जब अपनी औलाद बेवफा हो जाया करती है। सबसे बड़ा दर्द, सबसे बड़ा दुख तभी होता है जब अपनी ही औलाद अपने को नहीं समझती है। एक दिन वो लड़की स्कूल जाती है, माँ पीछे पीछे दौड़ी जाती है, बस में से हाथ निकालती है, माँ उसे वाय वाय करती है, बेरुखी सी हंसी देकर आगे बढ़ जाती है। पति ने पूछा,
तू इतना क्यों करती जब वो तुझे लाइक नहीं करती है। बोली माँ का हृदय है ना, वो कैसी भी हो मैं तो माँ हूं ना, ठीक है सुधर जाएगी कभी। एक दिन की घटना घट जाती है, बच्ची घर आती है स्कूल से, रिजल्ट आया उसकी पढ़ाई का। जैसे ही बच्ची आती है, पापा अभी ऑफिस से आए नहीं हैं, आने में लेट हो जाते हैं, पापा सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह बच्ची उठती है 10 बजे, पापा से कहती, पापा मेरा रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट आ गया बेटा, कितने परसेंट आए? 98% मार्क्स लेकर के आई हो। पिता ने सीने से लगा दिया, मेरी बेटी तू मेरा नाम रोशन करेगी। माँ दौड़ी दौड़ी रसोई घर से आई, माँ ने कहा बेटा मुझे मार्कशीट दिखा, 98% आए हैं। उसने कहा तू दूर रह, तू अनपढ़ क्या जाने, तू तो पढ़ी लिखी नहीं है ना, क्या मार्कशीट देखेगी तू, तुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता है, अनपढ़ कहीं की, तू क्या जाने 98% क्या होते हैं। बाप कुछ ना बोल सका, माँ ने आंसू भरे रसोई घर में चली गई। मालूम है गुलाब जामुन बना रही है, मेरी बेटी 98% लेकर के आई है। इतना बड़ा कलेजा दुनिया में माँ के अलावा कोई नहीं रख सकता है, ध्यान रखना। मेरी बेटी के लिए मिठाई बनाना है। पति पहुंचा, आंख से आंसू भी टपक रहे हैं, गुलाब जामुन भी बना रही है। पति ने उसके कंधे पे हाथ रखा, छोड़ना बच्ची है, तू क्यों अपना मन खराब करती है, तू क्यों दुखी होती है। बोले मुझे दुख इस बात का है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन उसने जिस तरह से मुझे बोला है ना, चुभ रहा है मेरे सीने में। अरे छोड़, बच्ची है ना, समझ जाएगी, कोई बात नहीं, मिठाई बनाई। लड़की ऊपर से नीचे उतरती है और कहती, माँ स्कूटी की चाबी दे, मुझे आज पार्टी देना है। माँ एक तरफ गुलाब जामुन रसगुल्ले को देखती है, मैंने बना के रखा वो नहीं, दोस्तों के साथ पार्टी देना है, मेरे अच्छे नंबर आए हैं। माँ कहती, बेटा गुलाब जामुन खा ले, तू खा, पार्टी है मेरी, मैं बाहर जाती हूँ। स्कूटर की चाबी ली, स्कूटी की चाबी लेती है, बड़ी तेज रफ्तार से भागती है। जैसे ही भागती जाती है, खुशी में भाग रही थी, होश नहीं था, जोश था पूरा, एक गाड़ी से टकराती है और एक्सीडेंट हो जाया करता है। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम, गाऊं मैं ध्याऊं मैं सुबह शाम, तुलक सा